चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चोरों को पुलिस का कोई खौफ ही नहीं रहा। आपको बता दें कि करनाल की नई सब्जी मंडी के समीप पेस्टिसाइड की दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा पीछे से दुकान का ताला खोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि चोर अपने साथ कार में तिजोरी साथ ले गए। दुकान के मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि हो सकता है कोई जानकार व्यक्ति ही इस तरह की वारदात कर सकता है, क्योंकि चोर अपने साथ सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर व तिजोरी को साथ ले गए हैं। तिजोरी के अंदर जरूरी कागजात व कैश रखा हुआ था। इस वारदात से आसपास के एरिया में दहशत का माहौल है। दुकान के मालिक ने बताया कि फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि कितने का कैश अलमारी में रखा हुआ था। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया, साथ ही एफएसएल की टीम को बुलाकर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। वहीं देखने वाली बात यह है कि सीएम सिटी में बढ़ती चोरी की वारदात से कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है और लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उधर दुकानदारों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। आसपास के दुकानदारों में इस चोरी की वारदात को लेकर दहशत का माहौल भी है। सर को फोन मिलाया हुआ, सर आप मेरे जाने के बाद शॉप पे आए थे क्या? नहीं, मैं तो नहीं आया बाद में। सर जी ऐसे ऐसे बात है, तो सर ने बताया बेटा और चेक कर दुकान के अंदर क्या क्या गायब है। तो मैं ऑफिस में गया, वहाँ तिजोरी गायब मिली जी मेरे को। फिर मैंने कैमरे की तरफ देखा, कैमरे सब लगे हुए थे। मैंने देखा डीवीआर गायब था। फिर पीछे आके देखा जी गेट खुला हुआ था, जहाँ पर पट्टा यहाँ पड़ा हुआ था। तो मैंने सर को फोन किया तो सर अचानक आ गए यहाँ पर। तो तिजोरी में कैश वगैरह उस पता लग पाया, क्योंकि आप अकाउंट्स देखते हैं तो आपको अंदाजा है। मैं सभी बिलिंग करता हूँ अभी, तो अभी न्यू ज्वाइनिंग है, अभी बिलिंग करता हूँ। बाकी सर देखते हैं हिसाब किताब सभी, ये उनको सर को पता है कैश वगैरह का। डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी थे कोई तिजोरी के अंदर? हाँ थे, थोड़े बहुत तेज लगा लो, तो नाम मात्र, वैसे मेन कैश ही था उसमें। किस चीज? हाँ किस चीज की दुकान है? पेस्टिसाइड की। कहाँ पर? 522 मंडी में, अनाज मंडी में। तो कोई पहचान सीसीटीवी कैमरा फुटेज में कुछ दिखा है? डीवीआर ही ले गया उठा के। क्या नाम है? अरुण नाम है उनका। चोरी रखी थी यहाँ, उसमें कैश था, जो डॉक्यूमेंट्स थे कुछ वो ही उठे हैं हमारे, और हमने कुछ कैमरास चेक किए हैं। वो अराउंड 12:15 के अराउंड वो लोग आए। एर्टिगा उनकी गाड़ी थी और उन्हें कम से कम 1.25 घंटा लगा, और वो लोग पीछे से गेट की तरफ से ही ले गए। पता लगा कि शायद आगे से उन्होंने वो खोला है, लॉक खोला है, और फिर वो लॉक क्रॉस करके फिर चले गए। तो कुछ शक्ल वगैरह कुछ उनकी पहचान में आ पाई थी? अभी अभी कुछ नहीं था, बस एक बंदा पीछे आया था, उसकी शक्ल नहीं आई। अंधेरे की वजह से कोई लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो उसकी शक्ल वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही है। डीवीआर भी साथ ले गए हैं? डीवीआर साथ ले गए, डीवीआर यहाँ पे लगा हुआ था, कैमराज लगे हुए थे, पर वो डीवीआर यहाँ से उठा कर ले गए हैं। कितने लोग पता चले? कितने लोग आए थे? अभी लोगों का कुछ भी नहीं पता लगा। जो दिखा है एक गाड़ी जो चला रहा था, और एक साइड में जो आया था वो कुछ किसी और काम से, उससे पहले भी वो एक बार चक्कर मार के गया कि देखने के लिए कि कोई है या नहीं है। तो तिजोरी में लगभग कितना कैश हुआ है? तिजोरी के कैश का भी कुछ नहीं पता। तो और भी क्या क्या सामान था यहाँ? और तो कुछ नहीं हुआ नहीं, और तिजोरी के अलावा कुछ भी नहीं है, बस एक डीवीआर गया है। तो हो सकता है जान को, क्योंकि चाबी के साथ खोला गया है। हाँ वो शक है किसी पे नहीं है, पर हाँ ये है जान पहचान का ही होगा, क्योंकि किसी को क्या पता कि तिजोरी में पैसा होगा। तिजोरी अराउंड 2.5 क्विंटल की थी, तो इतनी भारी को वो कोई क्यों लेके जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.